हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। तो एग्जांपल 1 में जो प्रॉब्लम्स गिवन है उनको सोल्व करना है। सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जांपल 1, तो इसके लिए हमें एग्जांपल 1 की तरफ चलना पड़ेगा। और एग्जांपल 1 हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 के एग्जांपल्स में है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट की एग्जाम्पल है, मेरे पास जो बुक है उसमें पेज नंबर 71 पे, और इस एग्जाम्पल के 2 पार्ट्स हैं। इसमें कहा गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। इनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, मींस इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और एक्सरसाइज 4.2 में हम क्या करते हैं, 4.1 में तो हमारे पास क्वेश्चन क्या थे, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और 4.2 में हमें क्या करना है, उनका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि एग्जांपल 1 में जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो एग्जांपल 1 में हमारे पास 2 प्रॉब्लम्स है, हमने दोनों को लिख लिया है। अब इनका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, एक एक को देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं, पहले इसमें कहा गया है, फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास है जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। उनके पास टोटल जो मार्बल्स है 45 है, जॉन और जीवंती के पास। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों के ही 5 मार्बल्स गुम हो जाते हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ है इज 124। जब उनके 5 मार्बल लॉस हो जाते हैं तो उसके बाद जो उनके पास मार्बल्स बचते हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विथ, मीन्स हमें फाइंड करना है कि उनके पास कितने कितने मार्बल थे, शुरू में उनके पास 5 गुम होने से पहले उनके पास कितने कितने मार्बल थे, हमें ये फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन 1 की अगर हम बात करें तो हम मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जोन है इन स्टार्टिंग या एट द टाइम ऑफ स्टार्ट, हम उनको एक्स मार्बल मान लेते हैं। अब दोनों के पास टोटल कितने मार्बल है, 45 है। इसको समझे पहले, जोन और जीवंती, अगर जोन के पास 25 है तो जीवंती के पास 20 होंगे तभी तो 45 बनेंगे। अगर जोन के पास 30 है तो जीवंती के पास 15 होंगे। अगर जोन के पास 40 है तो जीवंती के पास 5 होंगे, कुछ भी हो सकता है। जोन के पास 35 है तो जीवंती के पास 10 है। अब ये जो जीवंती के मार्बल हैं, क्योंकि उनके पास टोटल कितने थे, 45 थे, तो अगर हमें जोन का पता है तो जीवंती के कैसे आएंगे, 45 में से माइनस कर दो, 45 में से हम 25 माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा। 45 में से हम 30 माइनस कर देंगे तो 15 आ जाएगा। 45 में से हम 35 माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा। अगर जोन के पास 10 मार्बल है, अगर जोन के पास 10 मार्बल है तो जीवंती के पास कितने हो गए, 45 माइनस 10 यानी कि 35। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि जोन के पास अगर एक्स मार्बल है देन नंबर ऑफ मार्बल्स
जीवंती हैव इन स्टार्टिंग, शुरू में अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस एक्स। ये चीज आपको समझनी है क्योंकि दोनों का जो टोटल है वो कितना है 45 है, दोनों के पास टोटल 45 माइनस है। अब जॉन के पास अगर 10 थे तो जीवंती के पास 35 थे, कैसे आया 45 में से माइनस करके पता चल गया। अगर जॉन के पास x है तो 45 में से माइनस करके जो है वो जीवंती के पास है, तो ये अगर x है तो ये 45 माइनस एक्स है। आप इन दोनों को टोटल करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो x के साथ माइनस एक्स कट जाएगा, 45 आ जाएगा, यानी दोनों के पास टोटल 45 है। एक बात तो हो जाती है यहाँ पे क्लियर। इसके बाद अब इनके 5-5 मान लो लॉस्ट हो जाते हैं, हम लिखेंगे कि आफ्टर फाइव मार्बल लॉस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स जोन है। जब फाइव मार्बल लॉस्ट हो गए तो जोन के पास कितने मार्बल है, इसमें से 5 कम हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से आफ्टर 5 मार्बल्स लॉस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती है, जीवंती के पास कितने होंगे, इसमें से 5 माइनस करेंगे, देखो 45 माइनस एक्स और माइनस 5, 45 प्लस का है 5 माइनस का है, तो ये 40 माइनस एक्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब उनके 5-5 मार्बल लॉस्ट हो जाते हैं उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे है, उनके पास कितने कितने मार्बल नहीं है, इनका प्रोडक्ट x माइनस 5, इसका प्रोडक्ट 40 माइनस एक्स के साथ कितना है 124 है। इसको सॉल्व करते हैं मसाला। अब देखो यहां से 40x x की 40 के साथ की x की माइनस के x के साथ, तो ये माइनस एक्स के हो गया, माइनस 5 की 40 के साथ की तो माइनस 200 हो गया, माइनस 5 की और माइनस एक्स की तो प्लस का 5x हो गया 124। यहां से देखो हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर 40x और 5x, तो प्लस के 45x और माइनस के 200। इसको भी हम इधर ले आते हैं, माइनस 124 इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस 324 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर के आगे माइनस का साइन है तो हम इसके पूरे के ही साइन चेंज कर लेते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम पूरे के साइन चेंज कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 दैट इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इसके पूरे के साइन चेंज कर लिए क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे माइनस का साइन। अब आप देखो इसको सोल्व करना है, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है एग्जांपल 1 के हिसाब से, क्योंकि हम सेकंड एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें इसको सोल्व करना है। अब आप देखेंगे सोल्व करते हैं इसको, सम हमारे पास कितना होना चाहिए माइनस 45 और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 324 मल्टीप्लाइड बाय 1, एक्स का ऑप्शन नंबर है तो 324। अब आप सोचिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सोचना, आपको ये आसपास की वैल्यू सोच ले जैसे 35 और 10 तो 350 हो जाएगा इनकी मल्टीप्लाई। अगर हम 36 और 9 ले लें, 36 की अगर हम 9 के साथ करते हैं 4,
ठीक है ये आ जाएगा। तो 36 और 9 अभी तो माइनस का था, तो इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस, तो ये माइनस हो गई। और यहां पे देखो हमारे पास माइनस माइनस करेंगे तो प्लस के 324 होंगे। अब हम इसको लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 9x प्लस 324 दैट इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 36 माइनस 9, माइनस 9 कॉमन जाते हैं, ये देखो एक्स ये लिखा है यहां पे, ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट से बाहर माइनस है, तो माइनस 3 पे 27, 5 आगे 54, 6 पे, क्योंकि ये दोनों सेम आते हैं। तो एक्स माइनस 36 और एक्स माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से x माइनस 36 दैट इज 0 मीन्स x इज इक्वल टू 36, और यहां से x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 9। दोनों ही देखो पॉजिटिव वैल्यू आई है, यानी कि दो साइड आंसर के हो सकते हैं। तो यहां पे हम नंबर ऑफ मार्बल्स हम लिखेंगे कि एक तो केस वन, तो ये हो गया केस वन व्हेन x इज इक्वल टू 36। इस केस में क्या हुआ कि नंबर ऑफ मार्बल, नंबर ऑफ मार्बल्स जोन हैव इन स्टार्टिंग कितने हैं, वो एक्स है यानी कि 36 ही आ गए, और नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती है वो कितने हैं, वो है हमारे पास 45 माइनस एक्स, तो 45 में से एक्स माइनस कर रहे हैं, तो इस केस में 45 माइनस 36 कितना आ जाएगा 9। तो एक सेट तो ये बन गया हमारे पास कि जोन के पास 36 और जीवंती के पास 9। केस सेकंड क्या है हमारे पास, केस सेकंड When x is equal to 9, जब x 9 है तो यहां पर लिखेंगे कि number of marbles जोन है x है यानी कि 9, और number of marbles जीवंती है, ये क्या है 45 माइनस एक्स मीन्स, तो यहां पे 45 माइनस एक्स करेंगे तो यहां पे लिख देते हैं, चलो हम 45 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 9 के लिए हमारे पास 36 आ गया। तो एक केस तो ये हो गया जब जोन के पास तो 36 है और जीवंती के पास 9 है, और एक केस ये हो गया जब जोन के पास 9 है, जोन के पास 9 है और जीवंती के पास 36 है, तो दो सेट हमारे पास आंसर के आ गए। या फिर आप सिंपली कह सकते हो कि 36 एंड 9 या 9 एंड 36, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि 36 और 9 को प्लस करें, 36 और 9 को प्लस करें तो 45 छूड़े, इसमें से 5 लॉस्ट हो गए तो 31 रहे, इसमें से 5 लॉस्ट हो गए तो 4 रहे, इनकी मल्टीप्लाई किया तो 124 आ गया, तो 124 ही आ रहा है। इस तरह से हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, इस तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते। तेरे बच्चों ये हो गया मेरे पास पार्ट वन। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट को देखते हैं। बात करेंगे सेकंड पार्ट की, तो इसमें कहा गया है कि ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। कॉटेज इंडस्ट्री है वो कुछ टॉयज खिलौने बनाती है एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जो वो टॉय बनाती है उसकी कॉस्ट,
उसको बनाने की जो कॉस्ट है वो क्या है, इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात कही है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जो वो खिलौना बन रहा है फैक्ट्री में उसकी जो कॉस्ट है वो कैसे तय हो रही है, वो निकल रही है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, जितने उस दिन में खिलौने बन रहे हैं 55 में से माइनस करके उसकी कॉस्ट पता चल रही है। सपोज करो एक दिन में 35 टॉयज बन रहे हैं, एक दिन में 35 टॉयज बन रहे हैं, तो वन टॉय की कॉस्ट ऑफ ईच टॉय या वन टॉय ईच टॉय, क्या देखो क्या कहा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वो क्या है 55 माइनस उस दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं। मान लो उस दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं, 35 टॉयज बन रहे हैं, तो यहां पे 35 कर देते हैं तो 55 माइनस 35 20 आ जाएगा, तो हर एक खिलौने की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज 20, और टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट एक कॉस्ट की एक टॉय की कॉस्ट 20 रुपीज है और टोटल टॉयज कितने बने 35, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 700। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, दोबारा से पढ़ते हैं एक बार। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ये हमने जो बात की है, ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750, जैसे हमने ये अभी बात की टोटल कॉस्ट की बात की, ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज, वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन में कितने खिलौने प्रोड्यूस हुए ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या कर रहे थे कि लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड हम ये मान लो कि उस दिन में कितने खिलौने प्रोड्यूस हुए एक्स टॉयज। अब जो ये एक्स टॉयज बने इनकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट का कैसे पता चलता है, इस तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय हम लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वो कैसे निकल रही है 55 में माइनस कर रहे हैं उस दिन में जितने खिलौने बने, कितने खिलौने बने x, तो इसमें से x माइनस कर दिया, इतने रुपए का एक खिलौना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज दिस। अब देखो सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स टॉयज, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होती थी, यही पर हमने बात की थी, जैसे 35 टॉयज बने तो एक टॉय की कॉस्ट कैसे निकली 55 माइनस 35 20 रुपीज का एक टॉय, और कितने कॉस्ट क्या होगी प्रोडक्शन की, कितने टॉयज बने 45, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कॉस्ट आ गई। अब जो कितने टॉयज बने एक्स और एक टॉय कितने रुपए का है 55 माइनस एक्स का, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 55 माइनस एक्स के साथ, तो ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स टॉयज, ये कॉस्ट आ जाएगी। अब ये हमारे पास कितना होगा सॉल्व करके 55 एक्स माइनस एक्स के इतने रुपए रुपीज। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल कॉस्ट है
सेवन फ्रैक्शन की हो तो 750 है, यानी कि ये किसके इक्वल है 750 के। तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है 750 के, इसको भी इधर ले आए तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इज इक्वल टू जीरो। पहले माइनस एक्स स्क्वायर लिखा प्लस 55x लिखा माइनस 750 लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस का है साइन चेंज कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू जीरो। अब हमें इसको सोल्व कर लें, यहां तो आप रुपीज लिख सकते हैं इसके साथ। तो ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू जीरो। तो सम ये होना चाहिए माइनस 55 और प्रोडक्ट ये होना चाहिए 750 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी कि 750। आप देखिए कि 30 और 25 55 हो गए, मल्टीप्लाई करेंगे 25 की 3 के 75 यानी कि 750 पूरे हो गए, माइनस में रहते दोनों माइनस के हो जाएंगे तो माइनस के 55 बन गए, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 दैट इज जीरो, एक्स कॉमन एक्स माइनस 30 माइनस 25 कॉमन एक्स, ये माइनस का हो जाएगा ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है तो ये 30, तो ये एक्स माइनस 30 और एक्स माइनस 25। यहां से एक्स माइनस 30 दैट इज जीरो तो एक्स की वैल्यू 30, यहां से एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो तो एक्स इज इक्वल टू 25। तो दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है तो दोनों ही केसेस सही है। सो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 30 और 25, 30 भी हो सकते हैं और 25 भी हो सकते हैं, दोनों ही आंसर सही है। चेक करते हैं अपने आंसर को, चेक करते हैं वेरीफाई करके देख लेते हैं एक बार इसको। अब यहां पे क्या है कि अगर 30 टॉयज बने हैं, 30 टॉयज बने हैं तो एक टॉय की कॉस्ट कैसे निकलेगी, इसके हिसाब से एक टॉय की कॉस्ट होगी 55 माइनस 30 25, एक टॉयज की कॉस्ट 25 और टॉयज बने हैं 30, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 30 की और 25 की तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी 750, बिल्कुल सही है। और अगर खिलौने बने हैं 25, दूसरा केस, तो कितने रुपए का होगा एक खिलौना 55 माइनस 25 तो ये 30 का होगा, 30 रुपीज का एक खिलौना है, 25 कितने हो जाएंगे 25 मल्टीप्लाइड बाय 30, ये भी 750, यानी कि दोनों ही आंसर हमारे पास सही है। तो दो ऐसे केसेस पॉसिबल है जिसमें ये कंडीशन वेरीफाई होती है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक बेहद इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।